वेलकम वंस अगेन बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमी ट्यूटर में। आज क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 12 हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट लेने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग डील करने से पहले ये समझने जाएंगे बच्चों कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ लें इतने से ही कि ये वापस से आपके क्लास जो भी चैप्टर क्लास सिक्स में पढ़ रहे हो उसके जस्ट डबल कर दो क्लास 12 में ना बच्चों। तो क्लास 12 में फ्रेंड आपको वापस से ये देखने को मिलेगा ये चैप्टर बच्चों। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है समझ लो। बस वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इतना आपको समझना चाहिए कि ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं तो हम इस यहाँ पे बेसिक जो अपना मजबूत करेंगे ये क्लास सिक्स से ही अपना मजबूत कर लें, अपना कॉन्सेप्ट, अपना बेस, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। और पहले चैप्टर से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों। चलो इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है, अगर पूछ दिया व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बस एक छोटा सा लाइन बोलना है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट प्रोवाइड एनर्जी और पावर डेट इज यूज टू रन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अप्लाइंसेस। ये हमें पावर देता है, एनर्जी देता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को रन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक फैन, ट्यूबलाइट, वाटर पम्प एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लाइक टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो एक्सेट्रा। तो जो भी आजकल हम लोग देखते हैं, आप तो भली भांति परिचित होंगे बच्चों, आपको पता है कि जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आता है, बिजली चली जाती है तो वो चलने वाला है नहीं। यानी अगर बिजली है तभी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना भी महंगा क्यों ना हो वो तभी चल पाएगा, है ना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये समझिए आप। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा ये था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर। अब थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी बनता है, विंड मिल में बनता है, ये सब बातें आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हो सकता है आगे के सोर्सेस ऑफ एनर्जी एक चैप्टर मिलेगा आपको, वहाँ पर पता चलेगा। तो ये जान लो आप बेसिक कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है कहाँ पर है। तो ये प्लांट वगैरह में बनता है जो कि थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रल पावर प्लांट है, इस तरह के पावर प्लांट में ये प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। इलेक्ट्रिक सेल में तो क्या हो गया बच्चों, अरे बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल बैटरी, वो घड़ी में भी लगता है, हाथ वाले घड़ी में भी लगता है, है ना, और बड़े दीवार वाले घड़ी में भी जो बड़ा सा लगता है वो भी एक्चुअली बैटरी ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल का डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक सेल इन ए डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कैपेबल टू रन स्मॉलर अप्लायंसेस लाइक टॉर्च, क्लॉक, कैमरा, रेडियो एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक सेल में आप देखे होंगे दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव साइड होता है वो क्या होता है, मेटल कैप के साथ होता है। कैसे पहचान होगा कौन सा पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव साइड होगा उसमें मेटल कैप लगा होगा, वो मोटा साइड होगा। नेगेटिव वाला में फ्लैट डिस्क होगा, वो पूरा समतल होता है, जिस तरफ नेगेटिव होता है वो समतल होता है। अभी आप क्या करो ना कि बैटरी अपने हाथ में रखो, जैसे अभी लेक्चर जो सुन रहे हो आप उस समय एक बैटरी लेके आओ। तो जरा आप बैटरी लेके आए और आप देखो दोनों एंड को देखो, एक एंड पे आप देखो कि जो है वो एक उभरा हुआ हिस्सा होगा, ठीक है, वो आपका मेटल कैप लगा होगा उसमें, वो आपका पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। जिस साइड आपका पूरा फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट मेटल डिस्क है, वो आपका नेगेटिव साइड हो गया। चलो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि सेल के अंदर कौन कौन सा केमिकल होता है। तो जो केमिकल होता है वही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। उसमें आपस में अंदर में इंटरेक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, एंड वंस द केमिकल्स आर यूज्ड द सेल लूज इट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हो, जानते हो ना कि आपका एक बार जब बैटरी लाते हैं तो हमेशा सालों साल तक तो नहीं चलता है, है ना, वो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल है वो यूज्ड अप हो गया, उसका जब ख़त्म हो गया पावर तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हम इंट्रोडक्शन देख लिए, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में समझ लिए। आई होप दिस स्लाइड इज मच क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप भी परिचित हैं इससे कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स टर्मिनल।
इलेक्ट्रिक बल्ब हैज टू कंटैक्ट वायर्स इन द सेंटर विद ए थिन वायर अटैच्ड बिटवीन देम एंड दिस थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। आप बल्ब को ध्यान से देखो, चलो फिर से एक बल्ब ले आओ अभी अपने पास, आप उसको देखो, आप उसमें देखना कि जो ग्लास के अंदर वाला हिस्सा है उसमें दो आपका जो है कॉन्टैक्ट वायर होगा, उसके बीच में एक थिन वायर होगा अटैच्ड होगा, जो थिन वायर क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं ना कि बहुत थिन वायर है एकदम, उसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केज एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस एंड दीज टू फॉर्म्स एज ए टर्मिनल्स। यही दो टर्मिनल फॉर्म करता है। पहला क्या होता है कि जो थिक वायर है वो मेटल केस पास कनेक्टेड हो जाता है बेस, बल्ब के बेस पर। ठीक है, और दूसरा जो है कनेक्ट हो जाता है मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर बेस पे, सेंटर पे। तो ये दो टर्मिनल का काम करता है। ठीक है, चलो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं बल्ब में, तो फिलामेंट गेट हीटेड, फिलामेंट क्या होता है, हीट अप हो जाता है एंड प्रोड्यूस लाइट। वही फिलामेंट इतना हीट होता है बच्चों कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ए बल्ब इज सेट टू बी फ्यूज्ड व्हेन फिलामेंट गेट ब्रोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी जान पाओगे बाहर से देख के कि कोई बल्ब अगर नहीं जल रहा है तो आप उसको कैसे पता चलोगे कि चलेगा कि फ्यूज्ड है। दैट विल बी ओनली बाय ऑब्जर्विंग, आप उसको देख के ही समझ सकते हो। अगर आप फिलामेंट देख रहे हो कि अगर टूट गया है, ब्रोकन हो गया है, इसका मतलब वो बल्ब फ्यूज्ड है। ठीक है, चलो, द टू टर्मिनल्स डू नॉट डायरेक्टली टच ईच अदर टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि जो दो टर्मिनल है वो डायरेक्टली कभी टच नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो ये आपका दो लाइन के जो लास्ट की लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट ब्रोकन हुआ तो वो फ्यूज्ड कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सेल में कैसे कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कैपेबल एनफ टू मेक अ बल्ब ग्रो। ठीक है, टू मेक अ बल्ब ग्लो यूजिंग अ सेल अ वायर नीड टू बी कनेक्टेड फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब। वायर कनेक्ट करना है हमको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में। सिमिलरली द अदर टर्मिनल ऑफ सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द बल्ब। ठीक है, द बल्ब विल नॉट ग्लो इन केस द अबव इज नॉट फॉलोड, है ना, कनेक्शन आर नॉट मेड प्रॉपरली। तो हमें कनेक्शन बहुत क्लियरली करना होता है ताकि बल्ब जो है वो आसानी से ग्लो करे। ठीक है ना, अगर हम इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में कनेक्शन इम्प्रॉपर रखेंगे तो बल्ब विल नॉट ग्लो। सो दिस इज अबाउट द बल्ब एंड देयर कनेक्शन इन द सर्किट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलिए इस स्लाइड में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पूरा कॉम्बिनेशन। जैसे वायर जो हुआ, वायर के बीच में आप रेजिस्टेंस लगाया हो, रेजिस्टेंस के साथ आप क्या लगाया हो, बल्ब लगाया हो, तो ये सारा कनेक्शन जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो समझते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। बल्ब ग्लो व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट। कन्वेंशनली बल्ब कब ग्लो करेगा, जब उसमें करंट फ्लो करेगा। और कन्वेंशनली क्या होता है, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम लोग जब वायर में करंट का फ्लो दिखाएंगे तो हम वहाँ दिखाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, करंट का। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बात समझ लो कि जब करंट का फ्लो दिखाना होगा तो करंट का फ्लो हम दिखाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, उल्टा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, चलो, ए फ्यूज्ड बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट ऑफर्स ए ब्रोकन पाथ हेंस द बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी जब हमारा कोई बल्ब ऐसे पाथ में हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर दिए हैं जो फ्यूज्ड है तो वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकन हो गया ना, करंट तो वहीं पे सप्लाई बंद हो गया ना उसका, इसलिए। चलो, तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक स्विच पे, ये भी इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस है। इलेक्ट्रिक स्विच नहीं रहेगा तो हम करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ऑटोमेटिक क्या होगा, करंट हमेशा उस अप्लायंस को मिलता रहेगा जो कि एज यूजुअल हमारे लिए उतना ज़रूरत नहीं है। तो लिखता है इलेक्ट्रिक स्विच इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच वैसा डिवाइस है जो कि किसी ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो
कंटिन्यू में बढ़ाने में मदद करेगा या ब्रेक कर देगा। जैसे ये वायर है, ठीक है, आप इसमें क्या करो, इसको लगा दो, इसको लगा दिए तो आप क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, करंट फ्लो करेगा आसानी से। यही वायर में अगर ये वाला नहीं लगाओगे आप तो ये क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो ये कनेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। ये स्विच इज सेट टू बी ऑन व्हेन इट मेक्स और कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउज द करंट टू पास थ्रू देम। सिमिलरली अ स्विच इज ऑफ व्हेन इट ब्रेक्स द सर्किट एंड डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये क्या होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर बच्चों, ठीक है। हाँ, तो कंडक्टर ये है, चलो ये नेक्स्ट स्लाइड खुल गया, सॉरी। हाँ, कंडक्टर में हम क्या देखेंगे बच्चों कि कंडक्टर हमारा वह सब्सटेंस है जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाए। इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिससे करंट का इलेक्ट्रिसिटी पास इजिली ना हो, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल हो गया आयरन, नेल, की, सेफ्टी पिन, वाटर, ह्यूमन बॉडी, ये सब एग्जाम्पल हो गया। एंड मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो ठीक, उसका उल्टा हमारा हो गया ना। एग्जाम्पल आप इंसुलेटर जानते हो, रबड़, क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिससे हम डील करते हैं, जिसको प्लास हो गया, उस में रबड़ लगा रहता है, प्लास्टिक रबड़ लगा रहता है, जिससे हमारा क्या होता है, उसको हम टच भी कर देते हैं लाइव वायर को तो करंट नहीं लगता है। कंडक्टर्स आर मेनली मेटेलिक वायर, इंसुलेटर्स आर मेनली नॉन मेटेलिक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स टू अवॉइड पासिंग ऑफ करंट टू ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग हैंडलिंग। दीज डिवाइसेज आर कवरिंग ऑफ इंसुलेटर्स। ये सारे डिवाइसेज क्या होते हैं, इंसुलेटर्स के कवरिंग होते हैं, प्लास्टिक वुड ये सब के कवरिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलुमिनियम जो लिख दिया वो गलत है, ठीक है, एलुमिनियम तो आपका इंसुलेटर होगा नहीं, गलती से लिख दिया। तो ये आप समझ लेना कि आपका कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एग्जाम्पल याद रख लो, डेफिनेशन याद रख लो, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समअप होता है। आप एक बार इसके क्वेश्चन आंसर के थ्रू जाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम चैप्टर वाइज सिर्फ समझा रहे हैं, मैं खुद भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, लेक्चर्स लाइव भी आएंगे, तो आपको सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहना चाहिए। इसके लिए मैं सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने बोल रहा हूँ। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों।